पास ही एक छोटा सा गार्डन है, काफी अच्छे फ्लावर्स और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं मेरे चैनल के नाम जैसे रेनबो। हेलो एवरीवन, मैं अभी उठ चुकी हूँ और अब मैं फैशन अप होके ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाऊंगी। ये है मेरी आउटफिट। तो अभी मैं आई हूँ अपने टेरेस पर, यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, आप देख सकते हो मेरे बाल उड़ रहे हैं और यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा है। और वहां पर रोड भी दिखती है, वहां पे कार खड़ी हुई भी दिखती है रोड पे। और यहाँ पर मैं हूँ अपने भाई के साथ। आज हम जाएंगे रिज पे और हम एक हनुमान जी का मंदिर है टॉप पे, आपने शायद देखा हो, वहाँ पर भी जाएंगे। शायद वो खुला हो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बंद हुआ हुआ, बट आई होप खुला होगा वो। तो वहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे, रिज पे तो जाएंगे, आज शॉप से खुले हैं, कल तो बंद थे बिकॉज yes, और हम थोड़ी वहाँ जाकर शॉपिंग भी करेंगे और मैं आपको हनुमान जी के मंदिर का भी थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगी आपको, वो ट्रैकिंग दिखाऊंगी आपको। अभी हम जाएंगे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट हमारा लग चुका होगा, आपको क्या लगता है, लग चुका होगा हमारा ब्रेकफास्ट? आई थिंक रेडी होगा और हम खा लेंगे। मुझे काफी भूख लगी क्योंकि मैंने रात को भी कम ही खाया था और यहाँ पर कल राइड की थी और यहाँ पर थोड़े से बंदर भी घूम रहे, मंकी भी घूम रहे हैं, तो हमें डर है कि कहीं वो हमारा कैमरा फोन उठा के ना ले जाए। तो चलो अब नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अब हम आए हैं ऊपर अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट रेडी है, यस ब्रेकफास्ट हमारा लग, सो ये हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है। सो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम जाएंगे रिज पर, थोड़ा सा सामान लेकर फिर हम जाएंगे रिज पे। सो आज हम फिर से आ गए हैं रिज पर, यहाँ पर देख सकते हो आप कितना रश है, वीकेंड करके बहुत ज्यादा रश है। अभी हम जाएंगे ऊपर जाखू टेंपल, देखते हैं टेंपल खुला है कि नहीं। तो आज हम जा रहे हैं जाखू टेंपल, हम पैदल जाएंगे जाखू टेंपल। हमने कई लोगों से पूछा और उन्होंने कहा कि सिर्फ मूर्ति तक ही जा सकते हैं ऊपर और जो अंदर के दर्शन करने का गेट है वो बंद है। और ये है यहाँ पर लिखा है कि कितने टाइम में आप पहुंच सकते हो। पिछली बार मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था पहुंचने में, तो इस बार देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा चढ़ाई है और यहाँ पे बहुत ही दिखा रहता है और मेरे को बहुत सांस चढ़ रही है, तो चलो अब ऊपर जाके मिलते हैं। तो हम लगभग आधा रास्ता तय कर चुके हैं पर बहुत ज्यादा चढ़ाई है और यहाँ पर बंदर भी बहुत सारे हैं, इसलिए मैं कोई व्लॉग नहीं बना पा रही। और अभी यहाँ से रोपवे भी गई थी हमने देखा, हम बस अब पहुंचने वाले हैं, फिर मंदिर में जाके मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हम फाइनली जाखू टेंपल पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं ऊपर। यहाँ पर कोई भी बंदर नहीं है, रस्ते में थोड़े से हमें मंकी दिखे थे पर यहाँ पर कोई भी मंकी नहीं है। मैं पहले आ गया। यहाँ पर रस्ते में ऊपर हनुमान चालीसा लिखी हुई है, एक एक लाइंस लिखी हुई है इसकी। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर। हाँ जी पहुँच गए हम। और ये हमारी हनुमान जी, देख सकते हो ये मंदिर और हनुमान जी की स्टैचू, हनुमान जी का स्टैचू। ये स्टैचू 108 फीट ऊंची है और यहाँ पर इसकी मूर्ति पे मंकीज भी बैठे हुए थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे क्लाउड्स उड़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे धुआं उड़ रहा हो। सो हम मंदिर के पास आ चुके हैं, यहाँ पर
मंदिर बंद है, बस बाहर से ही दर्शन करने होते हैं। होते हैं नहीं आज ऐसा? दर्शन करने हैं यहाँ, सैटरडे संडे होता है ऐसा। और हम आए हैं यहाँ पे गार्डन में, ये मंदिर के पास ही एक छोटा सा गार्डन है, काफी अच्छे फ्लावर्स और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे देख कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं, रेनबो टाइप। यस, मेरे चैनल के नाम जैसे रेनबो। अब हम आ चुके हैं मंदिर से थोड़ा सा आगे, और यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू दिखता है। और यहाँ से हमें रिज भी दिख सकता है, पर अब पेड़ों की वजह से रिज नहीं दिख रहा। हम रिज से बहुत ऊपर आ चुके हैं, हम हाइट पे आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर क्लाउड्स बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं। यहाँ पे क्लाउड्स नीचे आ चुके हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाइट पर हैं। ये गाइस यहाँ पे बहुत हाइट है, बहुत हाइट है। अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं और हमने काफी एंजॉय किया। यस, और हमने बंदरों को भी देखा कि ये वो कैसे खाना खा रहे थे, खींच खींच के लोगों के शूज भी उन्होंने उठा लिए थे, इससे हमें डर था कि हमारा कि फोन ना उठा ले वो। फोन तो हम रखी, इसलिए हमने फोन को अपनी पॉकेट में डाल लिया था, हमने वहाँ पे थोड़ी ही ब्लॉगिंग करी। तब ऊपर जो देख रहे हो यहाँ पे हनुमान चालीसा लिखा हुआ। हाँ, यहाँ पे एक एक लाइन लिखी होंगी हर एक सीढ़ियों के बाद। तो आप एक एक स्टेप लो और एक एक लाइन पढ़ो और बोलो जय हनुमान जी। तो फाइनली हम रिज पे पहुंच चुके हैं, अब हम लंच करने के लिए जाएंगे। हम जब जगह ढूंढ रहे हैं कि कौन सी अच्छी जगह है जहां हम लंच कर सके। आपको भूख लगी है? हाँ जी। तो कहां खाएंगे हम? हाँ, आगे जाके देखते हैं, अभी मेरे को नाम नहीं पता। अच्छा, हम पहले वैसे वहाँ गए हुए हैं, हमें पता है कि वो अच्छी जगह है, इसलिए हम वहीं पर ही हम लंच करेंगे। और जाखू टेंपल जाने में मेरे को लगा 40 या 45 मिनट्स, जो कि मेरी एज के बराबर बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आई हूँ यहाँ पर लंच करने। सो भी हम कर रहे हैं लंच, मैं खा रहा हूँ मसाला पनीर डोसा, और मेरा है मसाला डोसा। कैसा है, टेस्टी? यम्मी डोसा। तो हम अभी लंच करके आए हैं यहाँ। जैसे हम बाहर आए यहाँ पर हमने देखा कि काफी बारिश हो रही है, तो हम यहाँ शेड के नीचे आए हैं। देखते हैं जब बारिश बंद होएगी तो हम थोड़ा सा घूमेंगे रिज पर। यहाँ पर ज्यादातर दुकानें सारी बंद है, हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी शिमला में ऐसे रिज पर दुकानें बंद भी हो सकती हैं। हमने लंच किया और हम वेट कर रहे हैं कि बारिश का बंद हो, फिर हम अपने घर जाएंगे। घर नहीं जाएंगे, अभी हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कब बारिश बंद होएगी, थोड़ी सी कम हो बारिश तो हम घूमने थोड़ा सा रिज पे घूमे। हम अपनी कार से अम्ब्रेला भी उठाने वाले थे, पर हम भूल गए अम्ब्रेला उठाना, कार में ही रह गई अम्ब्रेला। पापा भूल गए अम्ब्रेला उठाना, क्योंकि पापा ने पार्किंग करी और वहां से पापा बिना खाली हाथ ही आ गए, पापा भूल गए अम्ब्रेला उठाना, इसलिए हमें अब शेड के नीचे रुकना पड़ रहा है। और यहाँ पर दुकानें बंद है, तो हम ऐसा भी नहीं कि हम अम्ब्रेला खरीद लें किसी दुकान से, हम अम्ब्रेला ले लें, ऐसी शॉप्स तो बंद ही हैं ज्यादातर, तो हम अम्ब्रेला ले भी नहीं सकते, तो हमें बारिश बंद होने का ही इंतजार करना पड़ेगा। अब बारिश थोड़ी कम हो गई है, ड्रिजलिंग हो रही है, तो हम थोड़ा घूमने के लिए निकल चुके हैं, घूमने जा रहे हैं और थोड़ी शॉपिंग भी करते हैं, देखते हैं कुछ अगर मिले तो हमें। अच्छा देखिए यहाँ पर मौसम कितना अच्छा हो गया है, सारे क्लाउड्स रिज के पास रिज के नीचे आ गए हैं। हम वहाँ पे अभी टेंपल पे जाके आए हैं और वो तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, और वहाँ पर लोग भी जा रहे थे और वहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी,
तो मुझे लगता है लोग भीगे होंगे बारिश में, पूरा रिज बादलों से ढका हुआ है। और अभी हमने आइसक्रीम खाई ठंडे वेदर में, ठंडी आइसक्रीम। और अभी इसने अपनी वीडियो बनाई टाइम लैप्स, तो बन गई वीडियो। अच्छा वेदर हो रहा है ना, बहुत क्लाउड्स नीचे आए हुए हैं, कोई शक नहीं। और अभी लॉकडाउन लग चुका है यहाँ, यहाँ पर अभी लॉकडाउन का सायरन भी बचा था कि 5 बज गए हैं, लॉकडाउन लग चुका है यहाँ। अब हम यहाँ पे आए थे कुछ शॉपिंग करने, बट यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद है, यहाँ पे सिर्फ एक दो दुकानें ही खुली है, वो भी खाने पीने की शॉप ही खुली है, कुछ चिप्स की शॉप खुली है। हमने सोचा था कुछ शॉपिंग कर लेंगे बट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सो अब हम ऐसे ही घर जा रहे हैं, गेस्ट हाउस जा रहे हैं। हूँ अपने गेस्ट हाउस और मैं अभी हूँ टेरेस पर, टेरेस का व्यू देखो। अभी यहाँ पर धूप थी पर अब चली गई धूप, रिज पे बिल्कुल ही बादल नीचे आए हुए थे, पर यहाँ पर तो यहाँ पर जब हम आए तब यहाँ पर धूप थी। जैसे ही हम थोड़ा सा यहाँ से दूर जाते हैं तो मौसम बदलता जाता है, धूप आती जाती है या फिर बादल नीचे आ जाते हैं, बारिश वाला मौसम हो जाता है। सो अभी बज चुके हैं रात के 9 और मैंने डिनर कर लिया है, और ये है नाइट व्यू, यहाँ का नाइट व्यू बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे लाइट्स, छोटी छोटी लाइट्स दिख रही हैं। और अब हम जल्दी सो जाएंगे क्योंकि हमने कल सुबह जल्दी उठ के वापस जाना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं भी नहा के फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, तो अब हम चलते हैं ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए। कार में बैठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ। यहाँ पर अभी धूप निकली हुई है, कल तो यहाँ पर बादल नीचे आए हुए थे, आज वेदर काफी अच्छा है, यहाँ पर थोड़ी सी धूप है और थोड़ी ठंडक भी है। और जो मेरा भाई है वो पहले ही साइकिल पे निकल गया था सुबह 3 बजे जैसे, और वो तो अध रास्ते में पहुंच भी चुका होगा, अभी वो तो पहुंचने वाला भी होगा अभी। सो अब मैं आपको मिलती हूँ रास्ते में। यहाँ रास्ते में एक बहुत अच्छा पार्क है और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, जैसे आप देख सकते हो मेरे बाल कितने उड़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ये पिंजोर के थोड़ा सा आगे है पार्क, हम थोड़ा सा पिंजोर के आगे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है, यह पार्क। तो फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ पर पूरी धूप निकली हुई है। और शिमला में हमें बहुत मजा आया, पर हम सिर्फ वहाँ ब्रिज पर सिर्फ घूमे क्योंकि वहाँ पर शॉप्स तो क्लोज ही थी, तो हम खरीद तो सकते थे नहीं कुछ, तो इसलिए हम सिर्फ वहाँ पर वेदर का एंजॉय किया हमने और हम वहाँ घूमे। आई होप कि आपको भी ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।